तो ये यहाँ पे जबरदस्ती हमें चॉकलेट खरीदने को बोला जा रहा है, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट से। ओके, सो हम आए हुए हैं आज, अभी नहीं बताना। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अभी सोना व्लॉग्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे इतनी भीड़ है और मेरे आगे भी इतनी भीड़ है, मैं उल्टा चल रहा हूँ। हाँ, मतलब मेरे आगे भी बहुत भीड़ है और मेरे पीछे बहुत भीड़ है। और आज हम आए हैं उत्तराखंड के राजभवन में और यहाँ पे आज जो है बहुत बड़ा फेट लगा है, फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखाने वाले हैं हम आपको आज। और साथ में आओ, गाइस देख लो यहाँ पे पानी की बॉटल भी 40 रुपये की मिल रही है और हम लोग देखो ना फालतू में पानी बहाते रहते हैं। हम आए हुए हैं आज वसंत उत्सव में जो कि हमारे उत्तराखंड के राजभवन में लगता है और आज लगा हुआ है यहाँ पे। तो प्लान नहीं था कुछ ब्लॉक करने का, ये बेसिकली एक फ्लावर्स का एग्जीबिशन लगता है। एग्जैक्टली, फ्लावर्स एग्जीबिशन, बहुत सारी चीज़ें नेचर से रिलेटेड हमारा सब कुछ यहाँ पे लगता है और भीड़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। पहले यहाँ पे भीड़ नहीं होती थी, कुछ आने वाले 4-5 साल बाद से भीड़ होने लगी है। अभी दिखाते हैं हम आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें। सो आप देख सकते हो मतलब यहाँ पे आपको मिलेंगी बहुत सारी फ्लावर्स की वैरायटी। आप ये देख सकते हो सामने जो ये बना है ना, ये पूरा क्लोथ्स कपड़ों के टुकड़ों से बना है। ये देखो, ये जो दिखाना चाहते हैं नेक्स्ट जो लोकेशन आए, तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पे कुछ कल्चरल बोल सकते कल्चरल प्रोग्राम भी चल रहा है और यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं और मतलब देख के तो मेरा मन खुश हो गया। सोना इसको वाइड एंगल से शूट कर रही है तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना प्यारा प्यारा सा व्यू भी है, शॉप्स भी हैं छोटी छोटी। तो ये जो स्टॉल्स है ये डिफरेंट उत्तराखंड के डिफरेंट कल्चर्स को डिनोट करते हैं। सो दिस इज ऑन द स्पॉट फोटोग्राफी। अगेन दिस इज वेज टू वेल्थ, नेचर इन विनिएचर। सो ऐसे आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे एंड ईच स्टॉल हैज गॉट समथिंग different. So this is by Indian Red Cross Society Uttarakhand. यहाँ पे जो हनी है, yes, different variety के वो आप देख सकते हैं। तो ये देख लो लोग कैसे enjoy कर रहे हैं, यहाँ पे flowers देख सकते हैं। आप देख सकते हो लोग थक गए हैं और ये बैठ गए यहाँ पे। हेलो, और कुछ बोलना चाहेंगी? सो यहाँ पे जो हम लोग आए हैं ना, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं। यस, इवन नेम्स आर मेंशन। आप यहाँ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? राजभवन में 3 दिन के लिए प्रदर्शनी लगती है, सब इसमें आते हैं, सुंदर सुंदर फूल आते हैं, लोग आते हैं और नई नई चीज़ें देखते हैं, नए फ्लावर्स देखते हैं, उत्तराखंड की नई चीज़ें यहाँ पता चलती हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू। आप कुछ बताना चाहेंगी यहाँ के बारे में? हाँ, कि मुझे बहुत अच्छा लगा और खासकर आप लोगों के साथ आके, क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल नहीं था। ये हमारे फैंस हैं, ये हमारे फैंस हैं गाइस, यहाँ आके बिल्कुल चेंज हो गया, बहुत अच्छा। एक्सक्यूज मी आंटी, आप यहाँ के बारे में कुछ बताना चाहेंगी थोड़ा बहुत? कुछ भी, आप यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? आपको बहुत अच्छा लग रहा है, इस दिन को बहुत इंतजार करता है मुझे। अच्छा, हर साल आती हूँ। तो आप कहाँ से आए हैं यहाँ पे? देहरादून की हूँ। ओके ओके, इस दिन का बहुत इंतजार रहता है मुझे। वाह वाह वाह, थैंक यू। Thank you.
बहुत मजा आ रहा है, फोटोज इतनी बढ़िया आ रही है ना, क्या बोलूँ, मेरी अच्छी नहीं आ रही पर फोटोज अच्छी आ रही है, इसकी अच्छी नहीं आ रही पर फोटोज अच्छी आ रही है। राजभवन दिखा दो उत्तराखंड का, यहाँ पे आते हैं हमारे सारे मिनिस्टर्स और हमारे उत्तराखंड के CM जो अभी पुष्कर सिंह धामी है। कोई कल्चरल फंक्शन आई थिंक सो, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है और फ्लावर्स ही देख सकते हो आप। आप देख सकते हो पेंटिंग्स, रंगीत आर्ट सेंटर, जो राजभवन का परिसर है उसमें जो फोर्ट है एंट्रेंस में कृपया वहां पे ना बैठिए और फूलों को ना तोड़िए प्लीज। तो यहां पे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि आपको फूलों को नहीं तोड़ना है। तो गाइस अब हम लोगों का व्लॉग एंड होने जा रहा है और पुलिस वाले अंकल मुझे देख रहे थे कि मैं लड़की के कंधे में हाथ रखा, बहन है मेरी साले। चलो तो हम जा रहे हैं अब एंड करने, एंड नहीं कॉफ़ी पीने। यस तो स्टार्ट, तो हम चलते हैं और व्यू दिखाते हैं। बहुत ही भीड़ है और इतनी मस्त मस्त चीज़ें हैं ना गाइस, देख के दिल में ऐसा सुकून मिल रहा है। घर में हम टाइम वेस्ट करते हैं, लेटे रहते हैं, पड़े रहते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं। सो कीप supporting, so keep supporting and just you need to you know wait for our next vlog that is going to be Dehradun social club vlog, मतलब super duper से भी ऊपर वाला vlog होगा वो। I hope so कि आप सब लोग को मजा आए और हम लोग रास्ते में ऐसे खट खट और यहाँ हमारे स्टूडेंट आ चुके हैं विनायक, तो बहुत मतलब नॉटी थे। चलो हमारी स्टॉल में तो चलो मैम आओ। ओके खरीद लो, आती बिल्कुल खरीदती हूँ, वो भी मैम होममेड है। ओके तो ये यहाँ पे जबरदस्ती हमें चॉकलेट खरीदने को बोला जा रहा है, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट से और एकदम फ्रेश। ओके ये रंबोल नहीं कुकी डो है, ये रंबोल कुकी डो है। मैम एवरीथिंग इज चीप, सो चीप। प्राइस 20-15, ये वाली कितने की है, ये कितने की है, ये 25 और ये 15। चलो कर रहे हैं ना फिर ट्राई। सो ये कुकी डो है वो, ये हमारा स्टंटर। हाँ तो बल्लूपुर की तरफ अभी चल ही रहा गाइस, मजा आ गया, बहुत ही टेस्टी है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। गाइज कमेंट करके बताना कि हम लोग कैसे लगते हैं। मैं तो हुई प्यारी, ऑफकोर्स प्यारे थे पर फिर भी गाइज बताना। तो अभी हम लोग ब्लॉग को एंड करने जा रहे हैं, आई होप सो कि आगे ब्लॉग्स आते रहेंगे बढ़िया बढ़िया। यस, क्योंकि अभी हमने वापस से हमारे दिमाग में आ गया है कि हम यूट्यूब में वापस आ जाए, अपने ब्लॉग्स डालें। टन तो ऐसे ही इस घंटे जैसे हमने टन बजाई ना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन टन बजा देना। ओके गाइस, बाय बाय।